हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड का मैच, जो कि होने जा रहा है ससेक्स और ग्लैमरगन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड होवे में, जो कि ससेक्स का घर है। आखिरी दो जो मैच थे ससेक्स के वो भी मतलब बारिश की वजह से नहीं हो पाए थे। एक मैच से मेरे ख्याल सोमरसेट के अगेंस्ट भी था और एक मैच सरे या फिर ऐसा कुछ था जो कि नहीं हो, हाँ सारे का अगेंस्ट मैच था जो आपको याद ही होगा, वो मैच भी नहीं हो पाया था जहाँ पर सारे ने कुछ हद तक बैटिंग करा हुआ था और उसके बाद मैच बंद हो गया था फर्स्ट इनिंग्स के कुछ ओवर के होने के बाद ही। और ग्लैमरगन ने आखिरी मैच जो खेला था मेरे ख्याल से मिडिल्स के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली जीत हासिल करा हुआ था। कुछ चेंजेस उन्होंने करे थे ना सिर्फ अपने प्लेइंग एलेवन पर बल्कि बैटिंग ऑर्डर वगैरह में भी, तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम पे आया था चीज़ें। और बैटिंग में फिर भी इशूज़ रहे हैं, सिर्फ कॉलिन इंग्राम कुछ हद तक परफॉर्म करे थे लेकिन उसके बाद बाकी कोई कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली है। लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई थी उनकी तरफ से और वो मैच जीत गए थे। वो ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड होवे में, ठीक है। और ससेस का ये घर है, इस ग्राउंड पे ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक आध मैच हो चुका है जो हमने कवर भी करा रखा है। वेदर ओवरकास्ट है, मतलब अभी अगर आप देखेंगे तो बारिश हो रहा है लेकिन मुझे मेरे ख्याल से मैच के टाइम पे बारिश के चांसेस नहीं है और मैच हमें पूरा ही देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैच की एनालिसिस। आखिरी पाँच मैच की अगर हम बात करें तो ससेक्स हैं यहाँ पर 4-0 से आगे है और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। इस ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड्स ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छा या बहुत बुरा कुछ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हारी है ससेक्स की टीम वैसे। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं हिस्टोरिकली क्या होता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्लैमरगन के मैचेस में थोड़ा सा आपको कम इन्फॉर्मेशन मिलता है, मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं जो रह जाते हैं लेकिन टीम इनकी बदलती रहती है। अगर आप मतलब मेनली 2 साल पुराना ही मैच देखेंगे तब भी आपको मतलब काफ़ी अनयूजुअल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे और अननोन प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, तो वैसा ही है। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो जो जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में ही हम थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। तो ये है 2018 का मैच जो कि हुआ था इसी ग्राउंड पर। ग्लैमरगन ने बना था 173। करंट स्क्वाड मेंबर्स में आपको इनग्राम दिख जाएंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द फिक्स्चर्स में इनके रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं। आखिरी मैच पर अच्छी बैटिंग उन्होंने करी थी। अभी इसका दो मतलब प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, एक तो मिडिल्स का बॉलिंग था जिसके अगेंस्ट सभी रन बनाते हैं, आपने देखा ही होगा इस सीजन में, तो वो भी एक बात रहा है। और ओपनिंग पे आए थे वो क्योंकि क्रिस कुक नहीं खेले थे तो डेविड लॉयड कैप्टेंसी कर रहे थे और वो मिडिल ऑर्डर में आ गए थे। अभी आज के मैच में क्रिस कुक वापस आ सकते हैं और क्रिस कुक के वापस आने का मतलब है कि मिडिल ऑर्डर में वही आएंगे, तो फिर से क्या डेविड लॉयड ओपनिंग करेंगे या इनग्राम को उन्हीं के जगह पर मतलब उसी ओपनिंग स्लॉट पर रखा जाएगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो यहाँ पर इनग्राम और लॉयड दोनों के परफॉर्मेंस रहे हैं और लॉयड मैं हमेशा कहता हूँ कार्डिफ में हमेशा इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, हालांकि परफॉर्मेंस इस सीजन में उतना अच्छा नहीं रहा। करंट स्क्वाड मेंबर्स तक विल वियर दिख जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था। ससेस ने शेयर कर लिया था, लीड किया था ल्यूक राइट ने और ये एक ऐसा नाम है जिनका इस फिक्स्चर में कमाल का रिकॉर्ड रहा है। कुछ मैचेस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर मैं थोड़ा सा पुराना मैचेस भी आपको दिखाने ले जाऊँ जहाँ पर जाके ज़्यादा कोई फायदा नहीं है लेकिन रिकॉर्ड्स अगर हम ढूंढने जाएंगे तो ल्यूक राइट का आपको बहुत बढ़िया रिपोर्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जीत गई थी ससेस की टीम जो कि कार्डिफ में हुआ था। उसके बाद होवे में आ गए हम, तो ससेस ने यहाँ पर बना था 186, ठीक है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में आपको रॉलिंस दिख जाएंगे, सॉल्टर, वैंडर रोटन के विकेट्स, ग्लैमरगन यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स। एक और चीज़ आपको नोटिस करने मिल जाएगा कि ग्लैमरगन का बैटिंग यहाँ पे अच्छा हुआ है लेकिन वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ उनके घर पे जो कि है कार्डिफ में। जैसे ही वो होवे में आ जाते हैं ना उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही है हिस्टोरिकली। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको लीड किया था राशिद खान ने साथ में टाइमल मिल्स जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, और तो कोई बॉलर अवेलेबल नहीं। राशिद खान लेट आएंगे मतलब कुछ मैचेस बाद आप उनको खेलते हुए देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ससेक्स ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर ली। उसके बाद फिर से हम ओवे में आ गए, फिर से देखिए ग्लैमरगन की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, ठीक है। लॉयड का यहाँ पर रन्स थे, बिल्स यहाँ पर फिर से विकेट निकाल रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है इस फिक्स्चर में, ऐसा देखा गया है। ये जो 3 विकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर हैट्रिक निकाला था उन्होंने। अच्छा, इसके सिवाय ओली रॉबिन्सन भी यहाँ पर 2 विकेट निकालने में सक्षम हुए थे जो आज के मैच में वापस आने वाले हैं, और काफ़ी कहानी रहा है इनको लेकर आपको पता ही होगा, तो वो आज के मैच में वापस आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली क्रिस जॉर्डन के जगह पर। ससेक्स ने यहाँ पर फिर से इजीली चेस कर लिया, फिर से यहाँ पर सॉल्ट के साथ राइट आपको दिख जाएंगे। सॉल्ट का तो आपको पता ही होगा कि हमेशा ही वो होवे के राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं और राइट भी यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये 2 मैच आप देख सकते हैं होवे में हुआ है जहाँ पर आज का मैच भी होने वाला है। और ग्लैमरगन की बैटिंग हिस्टोरिकली यहाँ पर अच्छी नहीं हुई है, सिर्फ एक मैच में लॉयड ने कुछ रन बनाया, नहीं तो यहाँ पर भी बैटिंग उनका उतना अच्छा नहीं हुआ था। और फिर से जैसे ही हम कार्डिफ में वापस आ गए फिर से देखिए इनग्राम चल गए साथ में सेलमन, और यहाँ पर वीसी के विकेट हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। ससेक्स
उतना अच्छा नहीं पिचेस कर गई, मतलब राइट का उतना सा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं था, लेकिन वीसी और सॉल्ट थे, सॉल्टर के यहाँ पर विकेट, जिनका भी कार्डिफ में लगभग अच्छा ही परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ नाम तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, जिनमें से ल्यूक राइट हमने देखे हैं, दो बड़ा इनिंग्स इनका है। अगर मैं ये है आखिरी पाँच मैचेस, अगर मैं आखिरी छः या सात मैचेस तक आपको ले जाऊँ तो ल्यूक राइट की और भी बड़े इनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इनग्राम का आपने रन देखा है, लेकिन वो रन सिर्फ कार्डिफ में आया है, होवे में नहीं है। होवे में कहीं मतलब ओवरऑल ग्लैमरगन की बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, लेकिन कुछ रन तो उनके भी हैं। टाइमन मिल्स का आपने नाम देखा है, एक मैच में हैट्रिक भी हुआ है, और भी कुछ बॉलर्स है जो करंट स्कॉट में अवेलेबल नहीं है। ओलिडो मिसेल का एक मैच में नाम आपने देखा है, सॉल्टर का नाम देखा है, लेकिन वो भी कार्डिफ में ही है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, सेलमन का एक मैच में है जो भी कार्डिफ में, बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हैट्रिक बताने लायक था। हेड टू हेड में इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आप उम्मीद नहीं रख सकते, जो नाम था मैंने आपको बता दिया है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, और इस ग्राउंड पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फिल सॉल्ट, ल्यूक राइट, हमेशा ही मैं कहता हूँ स्पेशली फिल सॉल्ट का यहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर रहता है। ल्यूक राइट थोड़ा सा हिटर बेस्ट है, मतलब जस्ट चलते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी नज़र आती है इस ग्राउंड पर, लेकिन लंबा इनिंग्स खेलने की एबिलिटी इनके पास ही है। बाकी आप देख ही सकते हैं फिल सॉल्ट 41 के आसपास इनका औसत रहता है, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है इनका यहाँ पे। बॉलिंग पे कंसिस्टेंटली कोई बताने के लिए नहीं है, क्योंकि उस तरह से कंसिस्टेंट कोई बॉलर नहीं रहते हैं। अभी एक बार देख लेते हैं कि जब इस ग्राउंड पे मैचेस होते हैं तो कैसा होता है सीन। स्टार्ट करते हैं इस मैच से। देखिए, जो मेन चीज़ आपको इस ग्राउंड पे समझना होता है कि रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, हार्ड हिटर जो बैट्समैन वगैरह होते हैं वो यहाँ पर इजीली रन बना देते हैं, 170, 180, 190 तक भी बनता है, और वो चेस भी हो जाता है अगर आपके पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है तो। पेसर्स का ही अपर हैंड है, स्पिनर्स के लिए खास कुछ नहीं है, लेग स्पिनर्स वगैरह हो तो आप एक बार के लिए सोच भी सकते हो, बस इतना ही। अच्छा देखो, पहला मैच हैम्पशायर ने बनाया 176, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से गार्थन आपको दिख जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था, ससेक्स चेस कर गई, ठीक है, और वो भी एक गेंद रहे थे। ल्यूक राइट सॉल्ट, ल्यूक राइट जब भी चलते हैं देखिए कहाँ पर गए हैं, 82। साथ में डेविड वीसी बैटिंग मिल गई तो उन्होंने भी अच्छा ही परफॉर्म करा, अभी तक इसी में ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला है उनको। हालांकि पिछले मैच पर जो मैच पूरा नहीं हो पाया था सारे के अगेंस्ट में, वहाँ पर उनको पहले ओवर में बॉलिंग मिल गई थी और विकेट भी उन्होंने निकाला था। अभी बॉलिंग उनको रेगुलरली मिलती नहीं है, और अगर मिलेगी भी तो कितना ओवर मिलेगा वो भी एक सवाल बना रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा बॉलिंग पर आप डिपेंड नहीं कर सकते इनके। लेकिन हाँ, जब भी जितना भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है ये हमेशा सर्विस देते हैं। पेसर्स का अपर हैंड, साथ में लेग स्पिनर्स का यहाँ पर एक विकेट। अगला मैच देखिए 195 बना, ठीक है, मिल्स यहाँ पर दो विकेट निकाल रहे हैं गार्थन के साथ, चेस तो नहीं हुआ लेकिन 194 यहाँ पर भी बना। ल्यूक राइट सॉल्ट फिर से, डेविड बीसी फिर से, रॉलिंस, जैसे मैंने हमेशा ही बताया है कि जैसे जैसे सीजन आगे चलता जाता है इस ग्राउंड पे रॉलिंस का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता जाता है, जो कि यहाँ पर भी आपने देखा ही होगा पहले जो मैचेस हमने कवर कर रखे हैं। पेसर्स का अपर हैंड है स्पिनर्स के साथ कुछ विकेट्स। अगला मैच ये हुआ था एसएस के अगेंस्ट में, देखिए एसएस जैसी टीम यहाँ पर 197 बना रही है। ऑलरेडी एसएस की बैटिंग के बारे में आपको काफ़ी आइडिया हो ही चुका होगा, तो वो यहाँ पर 197 बना रही है, मतलब आप समझ सकते हैं रन यहाँ पर बन सकता है इजीली। रॉलिंस के विकेट्स हैं, साथ में मिल्स और रॉबिन्सन के भी एक एक विकेट्स। ससेक्स यहाँ पर चेज नहीं कर पाई लेकिन रन यहाँ पर भी बने थे। राइट का यहाँ परफॉर्मेंस था, आरन थॉमसन जो भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल है लेकिन खेल पाना मुश्किल है। वीजी देखिए हर मैच में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़ा इनिंग्स भले ही नहीं हो लेकिन 30-40 के भीतर रन्स तो है ही, और उनके पास बैटिंग आ भी रही है। ठीक है, साथ में रॉलिंस, पेसर्स के साथ स्पिनर्स कुछ विकेट्स। स्पिनर्स मतलब लेग स्पिनर्स वगैरह ही यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम विकेट्स दिखे जाते हैं, लेकिन कोई डोमिनेशन वगैरह नहीं है। अगर कोई बॉलर डोमिनेट करता है तो वो पेसर्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और ये मेरे ख्याल से पिछले सीजन का ये मैच विंडीज सीरीज का कैसे था, फर्स्ट बॉलिंग पे गार्थन और रॉलिंस। अब देखिए जैसे जैसे सीजन आगे चलता जा रहा है ना, देखिए ये जो पहला मैच था रॉलिंस का नाम यहाँ पर नहीं था, उसके बाद उनका बैटिंग से कुछ रन आया फिर भी लोग इग्नोर करने लगे, उसके बाद धीरे धीरे देखिए दो विकेट 37 रन, उसके बाद यहाँ पर तीन विकेट और बैटिंग से भी शायद कुछ ना कुछ तो उन्होंने बनाई होगा। ठीक है, और अगर हम सीजन के एंड में आ जाए तो यहाँ पर भी एक विकेट था, मतलब ऐसा। ठीक है, मतलब जैसे सीजन आगे चलता जाता है उनका कंट्रीब्यूशन होता जाता है, कंसिस्टेंटली शायद नहीं लेकिन कहीं ना कहीं पे आता ही रहता है ऐसा देखा गया है। तो जो भी हो 155 जो कि यहाँ पर चेज होना बनता था और चेज हो भी गया। सॉल्ट राइट और यहाँ पर नीचे से बोपारा कार्तन के भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं। पेसर्स के साथ स्पिनर्स से कुछ कुछ विकेट्स हमेशा ही रहते हैं यहाँ पे। और पिछले सीजन का जो आखिरी मैच था लैंकशायर के अगेंस्ट 140 सिर्फ बनाया था, ये आखिरी मैच था सीजन का, तो तब तक पिच में काफ़ी मतलब चेंजेस हो गए थे, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो पिच पहले 190 तक भी प्रोड्यूस करवा रही थी वहाँ पे, यहाँ पे आके 140 भी चेस करना डिफेंड हो रहा मतलब मुश्किल हो रहा है, तो पिच में तो चेंजेस आने ही थे सीजन के एंड में आके। तो जो भी हो, गार्थन ने यहाँ पर भी पहले बॉलिंग पर 3 विकेट निकाला था रॉबिन्सन और मिल्स के साथ।
रॉलिंस का यहाँ पर विकेट था। ससेक्स चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन ल्यूक राइट यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे। और स्पिनर्स जो ऊपर आप कुछ कुछ विकेट्स निकालते हुए दिख रहे थे, यहाँ पर डोमिनेट करने में करते हुए दिखे गए हैं, और 7 विकेट इन्होंने निकाला था। ठीक है, यह है सीजन के एंड का मैच, तो यहाँ पे आके बनता भी है। लेकिन ओवरऑल हम पिछले सीजन के अगर हम मैचेस को देखेंगे, सीजन के शुरुआत के मैचेस को जो अभी है, तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि रन यहाँ पे काफ़ी बनते हैं। ठीक है, पेसर्स का अपर हैंड है, स्पिनर्स कुछ कुछ विकेट लेके जाते हैं, खास कुछ नहीं। ल्यूक राइट फील्ड शॉट कंसिस्टेंट है, डेविड विजी की जब भी मौका मिलता है और वो हमेशा ही कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड होता है, स्पिनर्स बीच बीच में एक आध विकेट निकालते रहते हैं। जैसे जैसे सीजन आगे चलता जाता है, ये नंबर जो है स्पिनर्स के विकेट निकालने के वो ज़्यादा होते जाते हैं। लेकिन अभी सीजन तो मिड सीजन में भी नहीं आया है, तो अभी के लिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। इस सीजन में जो एक मैच हुआ है, अगर हम उसको भी देख लें, तो हैम्पशायर ने बना था सिर्फ 154 सीजन के शुरुआत में, जो रन काफ़ी कम है। आपको मिल्स दिख जाएंगे, लिनहम जिन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला था गार्थन के साथ, ससेक्स चेस कर गई, सॉल्ट बोपारा और हेड ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करा था, पेसर्स का ही अपर हैंड था। ठीक है, तो यह है पूरी कहानी इस ग्राउंड के बारे में। रन्स यहाँ पे बन जाएंगे सीजन के शुरुआत में, आप ये उम्मीद रख सकते हैं। पेसर्स का अपर हैंड है, कुछ प्लेयर्स यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, जिनमें से फिल सॉल्ट है, ल्यूक राइट है। ल्यूक राइट थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन बड़ा इनिंग्स जो है जब वो खेलते हैं तो काफ़ी लंबा खेल देते हैं। और हेड टू हेड में भी मैंने आपको बताया कि इनके परफॉर्मेंसेज बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो ऑफकोर्स मस्ट हैव तो है ही, और कैप्टन मटेरियल बन जाते हैं। डेविड विजी जब भी इनको मौके मिलते हैं, इन्होंने अच्छा करा हुआ है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनके यहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, जैसे कि ट्रेविस हेड हैं, और भी जो नए प्लेयर्स हैं लेनहम वगैरह हैं, तो इनके कोई रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनको हमें देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से हमारे पास देखने लायक था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था मैंने आपको दिखाया। ग्राउंड से सारी चीज़ें जो बताने लायक था, अभी आते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है प्लेइंग इलेवन जहाँ पे एक चेंज तो पक्का होगा कि ओली रॉबिन्सन और क्रोकॉम्बे में से कोई एक आएंगे क्रिस जॉर्डन के जगह पर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ल्यूक राइट ही कैप्टनसी करेंगे, तो ओली रॉबिन्सन ही मुझे लगता है प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए। इनका क्या रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, अगर मैं बताऊं तो ये बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं नजर आते हैं T20 सर्किट में। अगर ये लॉन्गर फॉर्मेट होता अलग बात है, लेकिन टाइट बॉलिंग कराते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग मिल सकती है और वहाँ पर विकेट निकल सकते हैं अगर ये वहाँ पर भी टाइट बॉलिंग कराए तो। बस इनसे बहुत ज़्यादा विकेट्स की उम्मीद मत रखना, लेकिन इकोनॉमिकल है, बैटिंग भी कर लेते हैं, यही प्रायोरिटी है। मतलब क्रिस जॉर्डन का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे ओली रॉबिन्सन। बस ओली रॉबिन्सन अच्छे फॉर्म पर है, मोमेंटम अच्छा है इनका, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था, वो क्रिकेटिंग रीजन की वजह से नहीं, वो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो मोमेंटम इनके पास अच्छा है, यही है, और ये बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रायोरिटी मिल जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन इसे ना ही रखें तो बेहतर। तो जो प्लेयर्स हमारे टीम में जरूर से होंगे, ल्यूक राइट फील्ड शॉट, गलती से भी मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, 0 दे माइनस दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्नस लेबुशेन जो अभी के लिए परसेंटेज कैप्टन है, लॉजिकल भी है, अच्छा कर रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पर लेग स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे जो भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, तो लॉजिकल कैप्टन चॉइस है। लेकिन अगर आपको कहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे लिए इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी चॉइस बन सकती है। उसके बाद ट्रेविजेंड है, बोपारा है, दिलरे डॉलिस या वीसी में से कोई ऊपर नीचे हो जाएंगे। वीसी को कभी कभार बॉलिंग भी मिल जाती है, और उनके लिए कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है अभी तक, कोई खास ऐसा नहीं है कि मतलब मौका मिला लेकिन यूज़ नहीं कर पाए, मौके से ही नहीं मिलते हैं इनको। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन आप देख ही सकेंगे। और बॉलिंग भी कभी कभार मिल जाती है, लेकिन वो भी ज़्यादा श्योर हम नहीं हो सकते कि इनको बॉलिंग मिलेगी ही या नहीं, तो वही दिक्कत वाली बात है। गार्थन आप इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये प्रॉपर मतलब लिमिटेड ओवर प्लेयर हैं इस तरह के फॉर्मेट में, और बॉलिंग पे भी इनके स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं, या कैप्टनसी फर्स्ट कैप्टनसी के लिए भी, स्पेशली एक ऐसे फिक्स्चर में जहाँ पर आपने देखा है कि ग्लैमरगन का जो बैटिंग से रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं रहता है जब भी वो कार्डिफ के बाहर खेले हैं। उसके बाद टाइमन मिल्स एक और बॉलर जिनके हेड टू हेड में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो हमारे टीम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लिनहम और विल बियर में से अगर आप चाहो किसी को ले सकते हो, लेकिन मुझे खास एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है। विल बियर के रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पर उतने अच्छे नहीं नजर आते हैं सरप्राइजिंगली। लिनहम हालांकि आखिरी मैच और एकमात्र मैच जो इस ग्राउंड पर खेल के गए हैं, उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ है। ऑफकोर्स आप ये कह सकते हैं अगर आपने लाइव देखा होगा मैच, कि 3 में से 2 जो मतलब उनके विकेट्स थे वो पक्का छक्का होने वाले थे। लेकिन जो भी हो, स्टैट्स बात करेंगे, और स्टैट्स यही बात कर रहे हैं कि आखिरी बार जो मैच लिनहम यहाँ पे खेल गए हैं उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ है। अभी उनको कितना ओवर मिलेगा ये भी मुझे पता नहीं है, और फिर से वो वही चीज़ रिपीट कर पाएंगे या नहीं वो भी हम बता नहीं सकते, लेकिन रिकॉर्ड्स ये हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, इग्नोर भी करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। तो स्मॉल लीग के लिए
हमारे टीम में आपको ल्यूक राइट दिख जाएंगे, सॉल्ट दिख जाएंगे, वीसी भी मोस्ट प्रोबेबली दिख जाएंगे स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, गार्थन दिख जाएंगे, मिल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ से पांच प्लेयर हमारे लिए हो गए। छठा प्लेयर अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो शायद ट्रेविस हेड के साथ हम चला जाए, नहीं तो लेना हम इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। बेंच पे आरन थॉमसन का भी ऑप्शन है, बहुत स्लाइट चांस है कि इनको भी टीम खिला ले, लेकिन इनको टीम बॉलिंग नहीं देती है, तो अगर ये खेलते हैं तो बैट्समैन के तौर पे ही खेलेंगे, और अगर ये खेलते हैं जिसके चांसेस बहुत कम हैं तो डेविड विजी का ओवर बढ़ जाएगा, ये आपको करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर खेलते हैं 1% चांस है अगर खेलते हैं तो डेविड विजी की बॉलिंग बढ़ जाएगी, ये पकड़ के चलना, और आरन थॉमसन बैटिंग में ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे हिटर ऑफ द बॉल हैं, बोलिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन सक्सेस की टीम में आने के बाद तो मतलब इनको बोलिंग नहीं दी जाती है। ग्लैमरगन की तरफ से बात करें तो क्रिस कुक की वापसी हो सकती है निहायत ही, अगर कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है तो, क्योंकि स्क्वाड में तो इनको रखा गया है, और ये अगर ये आ गए तो कैप्टनसी भी यही करेंगे, और फिर जाके बैटिंग ऑर्डर फिर से शफल हो सकता है, मतलब डेविड लॉयड आ सकते हैं ओपनिंग पे, इंग्रम आ सकते हैं नीचे, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी कर सकती है टीम की बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करे, बस क्रिस कुक वापस आ जाएंगे कुलिन के जगह पर और मिडिल ऑर्डर में वो संभालेंगे। तो इंग्रम के देखिए रिकॉर्ड्स हैं लेकिन इस ग्राउंड पर नहीं है। ठीक है, निक सेलमान मुझे लगता है ये कंडीशन उनके फेवरेबल कंडीशन हो सकता है उनकी बैटिंग की तरफ से, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि उनके सामने बॉलिंग कौन आएंगे, जॉर्ज गार्थन जो काफ़ी टाइट बॉलिंग कराते हैं और इस ग्राउंड पे तो उनके परफॉर्मेंसेस और भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है इशू बन सकता है, साथ में टाइमर बिल्स भी जिनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो अगर हम दोनों ही बॉलर को लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोनों ओपनर को लेने में कोई मतलब समझदारी होगी। अगर हम नीचे बैटिंग को देखने आएंगे तो वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा कुशन तो देखने को नहीं मिल रहा है। लैबुशन है तो ये तो है ही, इनको तो रखना ही पड़ेगा, यूनिवर्सल कैप्टन जॉर्ज स्कॉट के हसलर के ऑप्शन है और इनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाएंगी तो दिक्कत वाली बात नहीं है। डेविड लॉयड ने पिछले मैच में थोड़ी सी बॉलिंग कराई थी और आखिरी जो मैच वो इस ग्राउंड पे खेल रहे हैं उनका 50 का स्कोर भी है, लेकिन यूजुअल पोजीशन पे बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं और अभी तक बैटिंग से खास कुछ उन्होंने करा नहीं है। इनके फॉर्म को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, ये अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन अगर सही से करें तो मुझे लगता है इनका बड़ा इनिंग्स बहुत दूर नहीं होगा, लेकिन अभी क्या है कि कुछ बता नहीं सकते कि ये बॉलिंग कराएंगे भी या नहीं, और कराएंगे तो कितना ओवर कराएंगे। तो मुझे लगता है अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखना चाहते हैं लैबुशेन के अलावा तो डेविड लॉयड को आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप डेविड लॉयड को भी नहीं चाहते तो कार्लसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अभी तक थोड़ा थोड़ा जितना उनको मौका मिला है उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, ये भी अच्छे फॉर्म पर रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे आ सकते हैं क्रिस कुक, एवर रिलायबल एवर डिपेंडेंट है, लेकिन ये सिर्फ बैटिंग से ही आपको पॉइंट देंगे, कीपिंग भी थोड़ी बात कर लेते हैं, डिपेंडेंट है मतलब 25-30 रन आप इनसे कंसिस्टेंटली उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि ये जितना अच्छा कार्डिफ के मैदान में करते हैं उतना अच्छा उसके बाहर उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता है, और ऑफकोर्स इस फिक्चर में भी इनके कोई नाम नहीं है, याद रखना ये काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, बहुत दिनों से खेल रहे हैं, कुछ फिक्चरों में आपने बहुत पुराने मैच भी इनका नाम देखा होगा लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है। नीचे आएंगे तो कैलम टेलर पिछले मैच में खेले थे, ये बॉलिंग भी करवा लेते हैं लेकिन इनको ना ही सही से बैटिंग दी गई ना ही बॉलिंग दी गई ढंग से, तो मुझे नहीं लगता कि सही से इस्तेमाल कर रही है टीम इनको। अगर नहीं करना चाहती है तो वीगल को खिला सकती है टीम, ये थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से केंट वाला मैच था जहां पर वीगल ने अच्छी खासी बैटिंग भी कर रखी थी एक विकेट निकालने के अलावा भी, लेकिन उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया मिडिलसेक्स वाले मैच पर, जिसका रीज़न मुझे पता नहीं। अगर कोई रीज़न नहीं है तो वीगल मुझे लगता है वापस आने चाहिए कैलम टेलर की जगह पर, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। और याद रखना इस फिक्स्चर में हमें ऐसे प्लेयर्स की दरकार पड़ेगी जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के साथ साथ थोड़ी सी बॉलिंग क्वेश्चन भी हमें दे देंगे, क्योंकि हमें ग्लैमरगन के बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करनी है अगर हम लॉजिकल टीम बनाते हैं तो। उसके बाद डाउथवेट है, डिपेंडेंट प्लेयर है, बॉलिंग भी डेथ ओवर में कराई देंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, और याद रखना आज के मैच में रुआधरी स्मिथ नहीं खेलेंगे तो डाउथवेट का ही बनेगा लास्ट ओवर में बॉलिंग करने का वैंडर गुप्टन। उसके बाद एक और डिपेंडेंट प्लेयर, ये भी मतलब आप उम्मीद रख सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में, स्पेशली 17th-18th ओवर तक तो बॉलिंग इनकी हो ही जाएगी। उसके बाद सिसोडिया और सॉल्टर के ऑप्शंस भी हैं, लेकिन पिच पे स्पिन का कुछ नहीं है। सॉल्टर का हालांकि आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जिस दिन लेंगे बंचेस में रहेंगे ये सब पता ही है आपको, लेकिन मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। लेकिन तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो जो प्लेयर्स होंगे, लैबुशेन, लॉयड और कार्लसन में से कोई एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेके चलो। अगर वीगल खेलते हैं तो वीगल को भी कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो डाउथवेट तो आपकी टीम में है ही। तो ये हो गए तीन प्लेयर्स, वैंडर गुप्टन चौथा, और जैसे मैंने बताया कि कार्लसन लॉयड में से कोई एक अगर आपके हो गए, और अगर वीगल खेलते हैं तो वो आपके लिए पांचवा प्लेयर हो सकते हैं, या फिर आप सॉल्टर के साथ भी जा सकते हो क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, और इनका बॉलिंग पे खास कुछ प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्या पता जिस दिन आप ड्रॉप करो उसी दिन ये बच्चे से विकेट लेकर जाए, क्योंकि इनका मतलब नेचर ही ऐसा है।
कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो सोसेस के होकर सॉल्ट और गार्थन में होंगे, उसके बाद राइट और बोपारा को शायद कैप्टन हसकरन कोई नहीं बनाए, लेकिन टीम में सब लगने की कोशिश करेंगे। बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करा ही लेते हैं और कंसिस्टेंटली ये बॉलिंग कराते हैं। वीसी का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बोपारा का दो ओवर हमेशा ही बना रहता है कि ये बॉलिंग कराएंगे। रिस्क लेना है तो वीसी और हेड में से आप जा सकते हो। ग्लैमर ग्रुप की तरफ से लाबुशेन यूनिवर्सल कैप्टन होने वाले हैं और मैं अभी बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ, इनकी कैलिबर ही अलग है। जिस तरह का मतलब टैलेंट ये ब्रिंग कर रहे हैं, शायद ही कोई प्लेयर होगा ये पूरे भारतीय टीम में जो इतना टैलेंटेड होगा। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर तरफ से ही बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद इनग्रम, रिस्क लेना है तो लॉयड और फेंडर कुट्टी में से, इनमें से शायद लॉयड को लोग टीम में भी नहीं लेंगे, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास जिनके बारे में कुछ कह सके हम। कार्लसन उसके बाद एक ऑप्शन आते हैं और सिसोदिया सॉल्टर में से कोई एक, इवन डाउथवेट भी एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन कैप्टनसी फर्स्ट कैप्टनसी के लिए नहीं, टीम में रख लो वही वही बात होगी। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि इस मैच की फाइनल्स वन लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवा अगर आप सर्च करोगे अब टेलीग्राम के सर्च बार पे @teams4win विदाउट स्पेस लिख के, तो 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर चैनल आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में आपको टीम्स मिलती रहती है, ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी। तो ज्वाइन जो है जरूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप के लिए है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो इनिशियली मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है, कार्लसन को मैंने सिर्फ क्रेडिट मैनेज करवाने के लिए रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पास कोई क्रेडिट नहीं है। यहाँ पर मैंने रॉबिन्सन को रखा है, अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है तो इनका ये डेथ ओवर में बॉलिंग करने भी आ सकते हैं। बिल्स तो है ही, साथ में रॉबिन्सन भी आ सकता है। गार्थन का ओवर 17-18 ओवर तक मतलब खत्म करवा दिया जाता है, इसीलिए डेथ ओवर में ये बॉलिंग नहीं करवाएंगे। ऑफकोर्स टीम में तो होंगे ही लेकिन डेथ ओवर के लिए नहीं, लेकिन रॉबिन्सन और मिल्स में से कोई एक डेथ ओवर के लिए काम पे आ सकते हैं, इसीलिए मैंने रखा है। बोपारा का कोई चांस ही नहीं बन रहा है क्रेडिट बचाने का, क्रेडिट मतलब बचा के लेने का तो नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लेनहम को लेते हैं तो आपका क्रेडिट बच जाएगा। इवन प्रोकॉम्बिक भी अगर खेलते हैं, वो भी चांस कम है, लेकिन अगर खेलते हैं तो वो भी आपके लिए क्रेडिट बचा के दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 0.5 क्रेडिट बचा लेते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कार्सन के जगह पर सेफ प्लेयर जैसे कि इनग्रम या सेलमान में से किसी को ले सकते हैं। इनग्रम का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा नहीं है, ठीक है, और अगर हम मिडिलसेस के बॉलिंग को इग्नोर करें तो उसके पहले तक भी उनका कोई फॉर्म का अता पता नहीं था। सेलमान लेकिन इनफॉर्म प्लेयर है, ठीक है, हो सकता है कि वो आज के मैच में रन नहीं बनाए लेकिन कंडीशन इनका सपोर्ट पे आ सकता है। लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूंगा दोनों को ही मत रखो, क्योंकि सामने गार्थन है, टाइमर विल्स है, जिनके भी इस फिक्चर में बहुत अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं, कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐसा बनाया था, भले ही क्रेडिट बचाने के लिए सही, लेकिन कार्लसन का लॉजिक है कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे, इनफॉर्म बैट्समैन है, जितना मौका मिल रहा है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्रेडिट बचा पाते हो आप तो आपके पास हेड का भी ऑप्शन होगा, लेकिन वही बात है क्रेडिट नहीं बचा पा रहा था मैं। तो लॉयड को आप ड्रॉप कर सकते हो, लॉयड को कोई ले नहीं रहा है, ये थोड़ी सी बॉलिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, आखिरी मैच में रन बना के आए हैं इस ग्राउंड पर और ये फॉर्म पर है, वन ऑफ द प्लेयर्स है जो काउंटी से अच्छा करके आ रहे हैं, रन नहीं बना पा रहे हैं अभी वो अलग बात है, लेकिन ये फॉर्म पर रहे हैं, ठीक है। तो हेड को आप रख सकते हो और बाकी यहाँ पे इनग्रम या सेलमान में से किसी को रख के भी आप चल सकते हो, अगर आप लेनहम के साथ क्रेडिट बचा लेते हो तो, ठीक है। एक और ऑप्शन होगा अगर यहाँ पे ग्लैमरगन पहले बैटिंग करती है, अगर ये ससेक्स पहले बैटिंग करता है तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि तब हमारे पास वीसी भी है, हेड भी है, तो बैटिंग लगभग कवर्ड है। अगर ग्लैमरगन पहले बैटिंग करती है तो आप यहाँ पे वीसी के जगह पर अगर वीगल खेलते हैं तो वीगल को ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, उन्होंने आखिरी मैच पर दिखाया भी हुआ था। ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, 1 विकेट 25 रन 30 रन वही आपके लिए बहुत होगा, या फिर सॉल्टर के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी आप मतलब चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश आपको यही करना है अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो तो, कि ग्लैमरगन के मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को टारगेट करना है, जो उनके तरफ से प्रॉपर बॉलिंग करते हैं ऐसे बैट्समैन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे, ठीक है। मानस लैबुशन तो है ही, बाकी मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। इनग्रम आप टीम में रख सकते हो, मुझे नहीं लगता बहुत दिक्कत होगा उनको टीम में रखने में, लेकिन याद रखना मिडिलसेस मैच से पहले उनका कोई फॉर्म नहीं था और रिकॉर्ड्स भी इनके यहाँ पे अच्छे नहीं है। डेविड लॉयड आखिरी मैच में रन बना के गए हैं, फॉर्म पर है, भले ही रन नहीं बना पाए हैं और क्या पता कुछ ओवर की बॉलिंग भी आपके लिए करवा दें तो और भी इफेक्टिव वो हो सकते हैं, ठीक है। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें, देखिए लैबुशेन मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कहीं भी उनके बारे में कुछ नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, आप बना सकते हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन स्मॉल लीग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स ल्यूक राइट और सॉल्ट का ऑप्शन जेन्युइनली बन जाता है, बॉलिंग फर्स्ट में गार्थन का भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रही है ससेस की टीम तो आप लैबुशेन कैप्टन और वैसे ही सॉल्ट या ल्यूक राइट कर सकते हो,
और अगर आप रिस्क ले रहे हो तो सॉल्ट और वाइस राइट का कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन रिगार्डलेस ऑफ टॉस बना सकते हो, क्योंकि ओपनिंग करने आएंगे और गार्थन का भी ऑप्शन बना रहता है हमेशा बोलिंग फर्स्ट में, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मुझे ये मैच लॉजिकली तो सही लग रहा है। अभी देखिए क्या है कि जो जो हम बता चुके हैं, जो जो हिस्ट्री है, ज़रूरी नहीं वो रिपीट हो। हो सकता है कि आज सक्सेस की टीम ही 100 रन के भीतर निपट जाए, हो सकता है, लेकिन जो बेसिस है उस बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि ये मैच कंपेरेटिवली ईजी हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा मैच में कैसा होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मैच इजी लग रहा है तो इन्वेस्ट ज़्यादा कर दें, हमेशा इक्वल इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहिए। लेकिन जो भी हो, अगर चीज़ें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पर सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पर आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।